आज इस वीडियो में बात करेंगे कांतारा मूवी के बारे में, जिसका जादू कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि इसने ट्रिपल आर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को पीछे छोड़ दिया। पर सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में। ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि किसी मूवी को ऑडियंस के, पब्लिक के डिमांड पे डब करके रिलीज किया गया है। ये अपने आप में ही मूवी के मेकर्स, एक्टर, डायरेक्टर के लिए एक प्राउड वाली बात है, एक अचीवमेंट वाली बात है कि उन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग मूवी बनाई कि ऑडियंस ने भारी भरकम डिमांड के साथ इसे रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और मूवी के मेकर्स को तो बहुत ही प्राउड होना चाहिए। और साथ ही साथ इस मूवी को 2500 स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया है, जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर है। और ट्रिपल आर और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद ये तीसरे नंबर पे मूवी आती है जिसे इतने स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया है हिंदी बेल्ट में। क्योंकि नॉर्मली साउथ की मूवीज को जो भी डब होके मूवीज आती है, इतना स्क्रीन्स उन्हें नहीं मिलता है, तो इस मूवी को 2500 स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया है। फ्रेंड्स, फाइनली इस मूवी ने ट्रिपल आर और केजीएफ चैप्टर 2 को आईएमडीबी रेटिंग में पीछे छोड़ के रख दिया है। इस मूवी का अभी तक का आईएमडीबी रेटिंग आया है 9.4 और केजीएफ चैप्टर 2 का है 8.4 और ट्रिपल आर का है 8। तो इस मामले में इसने इन दोनों मूवीज को पीछे छोड़ के रख दिया है। तो आपका क्या ओपिनियन है कांतारा मूवी के बारे में, प्लीज अपने थॉट्स को कमेंट के थ्रू शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। चैनल के लिए चाचा।